व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड दोस्तों मैं ये बताने वाला हूँ व्हाट इज HPV। नया दोस्तों एक डिजीज़ आया है जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पेपिलो में वी वायरसेस। इसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलो में वायरस और HPV। सो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है क्या है अभी दोस्तों मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको, ये डिजीज़ दोस्तों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है दोस्तों। जितने लोग भी बोल रहे हैं कि ये होगा, ये है, वो है, नहीं दोस्तों, ये स्किन कॉन्टैक्ट और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है दोस्तों ये। और दोस्तों ये जो मतलब डिजीज़ है, मतलब हेल्थ होता है, जब ये तभी होगा जब आप सेक्स करेंगे अपने पार्टनर के साथ, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ, या फिर आप कहीं पे गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करेंगे। ये डिजीज़ दोस्तों कुछ भी, कहीं भी, किसी को भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपको दोस्तों कॉन्डोम ज़रूर यूज़ करना है दोस्तों सेक्स के करने से पहले, क्योंकि ये डिजीज़ बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है, कैंसर हो सकता है इससे, आपको, आपके पार्टनर को, आपके बेबी को, आने वाले जो है किसी को भी ये हो सकता है डिजीज़ दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस डिजीज़ से बच के रहना पड़ेगा क्योंकि ये स्किन कॉन्टैक्ट डिजीज़ है। और दोस्तों इसका जो साइंस मैं ज़्यादा मैं बताने का कोशिश तो मैं कर रहा हूँ, इसका जो साइंस है दोस्तों, ग्रुप ऑफ नॉन एनवेलप DNA वायरसेस स्पेसिफिकली इन्फेक्ट ह्यूमन एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं दोस्तों हमारे, उसमें ये होते हैं। और एपिथेलियल सेल्स के भी काफ़ी वो होते हैं, कैटेगरी होते हैं, इसमें आप क्यूटेनियस एपिथेलियल सेल्स और स्किन जैसे कि फेस, हैंड्स, फीट, इन सब में होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होता है दोस्तों, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेरिंग्स, नसल, ओरल कैविटीज, एनल, जेनिटल रीजन्स, यहाँ पे जैसे होते हैं। और बिनाइन ट्यूमर्स भी हो जाते हैं, ये कॉल पेपिलोमास और वर्ड्स, सम कैन लीड टू कार्सिनोमास और कैंसर ऑफ द एपिथेलियल सेल्स दोस्तों। सो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, मतलब ये बीमारी दोस्तों अभी नया नहीं आया, पुराना ही है दोस्तों, लेकिन ये अभी इसका ज़्यादा पता नहीं क्यों इतना वो हो रहा है, तो मुझे लगा वीडियो बनाना ज़रूरी है, बिकॉज मैं कैंसर में काम कर चुका हूँ। सो एपिथेलियल सेल्स में होता है दोस्तों ये, मतलब जैसे कि लाइन ऑफ द आउटर सर्फिस ऑफ द ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। और दोस्तों ये लंग्स में भी होता है काफ़ी, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का। स्किन, एनस, जेनिटल्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सब जगहों में ये होता है दोस्तों। और स्किन कॉन्टैक्ट के कारण ही होता है दोस्तों, ओरल सेक्स कुछ लोग करते हैं उसमें भी हो सकता है। सो मेन मुद्दा क्या है दोस्तों, आपको इसमें अपना हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, से बॉडी का, आपके जो प्यूबिक हेयर्स उसको कट रखना पड़ेगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू बी ट्रिम, यू नो। हाइजीन का मतलब क्या होता है, हर चीज़ एक अपने हेल्थ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, और जो हेल्थ पे खर्चा करेगा उसको डॉक्टर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो मतलब इन्वेस्ट मनी ऑन योर सेल्फ। आई एम टेलिंग दैट डोंट फॉल इन टू अ बिजनेस ऑफ अदर पीपल बाई थिंकिंग देन दैट यूड बिकम सक्सेसफुल। आप अपने आप को, आपके बॉडी पर खर्चा कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। और मेन मुद्दा ये है कि आप डॉक्टर्स के पास पैसा मत दीजिए। हाँ, एक टाइम आता है जब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले आप अपने आप को सुधार के रखिए ना, ताकि डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे वो हज़ारों बातें बोलेंगे आपको, और इसके बाद वो आपको वो करेंगे, ये करेंगे, वो हो गया, ये हो गया, अभी तो आप देर से आए, जल्दी क्यों नहीं आए, आपको अभी आना चाहिए, अभी क्यों आए, जल्दी आते, उनका क्या है दोस्तों, उनको तो पैसा चाहिए ना। और इसके सिम्टम्स बहुत ही दोस्तों वो है, वॉइस चेंजेस होगा, हाई पिच ब्रीथ होगा, साउंड इफ लेरिंग्स इज इन्फेक्टेड, लेरिंग्स में अगर कुछ हुआ तो, और अगर एनल जेनिटल इन्फेक्शंस होगा उसमें इन्वॉल्व न्यूमरस वर्ड्स कॉल कॉन्डाइलोमाटा एक्मिनाटा, टेंट टू स्किन कलर रेंज इन साइज एंड कॉलीफ्लावर लुक लाइक टू सर्फ टू देयर सर्फिस, कॉलीफ्लावर जैसा शेप हो जाएगा, वहाँ पर होगा पेनलेस स्किन कॉज इचिंग, बर्निंग, लोकल पेन और ब्लीडिंग होगा। तो दोस्तों इससे बच के रहिए, और मैं यही बोलूँगा कि दोस्तों कि इसका दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब ये तो नहीं बोलूँगा, इसका वैक्सीन भी अवेलेबल है, आप वैक्सीन लगा सकते हैं जाके हॉस्पिटल में, बट आई विल से दैट इफ़ यू आर डूइंग स्किन कॉन्टैक्ट चल रहा है आपका, तो किसी के साथ सेक्स, तो फिर आप वो कर सकते हैं। इसका दोस्तों सर्विक्स, वेजाइना, वल्वा, पेनिस, एनस, अपर, हर जगह में इसका हो सकता है। तो
बच के रहिए दोस्तों, बी सेफ बी स्ट्रांग, और कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आप मतलब इसको वो मत लीजिएगा, मतलब इस चीज़ को, मतलब सेक्स करते वक्त आप लोग इसको कॉन्डम ज़रूर यूज़ कीजिए। और लड़कियों के लिए तो बहुत कुछ निकला है, वी वॉश हाइजीन के लिए, वो यूज़ करिए दोस्तों आप लोग, मतलब कुछ भी, मतलब हेल्थ को लेके कुछ मत कीजिए, मतलब हेल्थ को लेके आप लोग मतलब सीरियस रहिए, डॉक्टर के पास जाऊंगा, ये करूंगा, ये सब मत करिए। और इसका ट्रीटमेंट तो दोस्तों रिमूवल ऑफ वर्ड्स, रिमूवल ऑफ प्रीकैंसरस लीशन स्वीट, उसको फिर रिमूव करना पड़ेगा, अगर वो दो गार्ड बन जाएगा आपका, लेज़र रिमूवल होता है, सर्जिकल रिमूवल होता है, विथ फ्रीक्वेंट रीऑकरेंसेस, इम्यून मॉडिफायर्स मे बी यूज टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम टू रिमूव द इन्फेक्शंस। दोस्तों हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होगा तभी आपका शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगा, ना कैंसर कुछ। और अगर आप चाहते हैं मैं कैंसर के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट करिए, मैं बनाऊंगा, वरना मैं, आप अगर कमेंट नहीं करेंगे, चैनल नहीं देखेंगे तो मैं बना के फ़ायदा कुछ होगा नहीं। सो वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, मुझे यही बोलना है कि आप लोग थोड़ा संभल के रहिए, बी सेफ बी स्ट्रांग, एंड इट्स ए स्किन कॉन्टेक्ट डिजीज़, गर्लफ्रेंड हो, प्रोस्टिट्यूट्स हो, मैरिड वोमेन हो, कोई भी हो, आप लोग संभल के करिए जो भी करना है। और दैट्स ऑल, इस एपिसोड में इतना ही था, थैंक यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और 1K हो चुका है चैनल, और मुझे और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मैं अब तो नॉलेज दे ही रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो यहीं तक है, थैंक यू, बाय। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके ही चैनल जाइएगा, थैंक यू। चलिए मैं निकलता हूँ।